के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन. द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2 प्रोसीड्स एज फॉलोज. टू स्टेप्स में रिएक्शन दिया हुआ, O3 रिवर्सिबल रिएक्शन, O2 2O2 फास्ट स्टेप है और O+ O3 जो है वो 2O2 बना रहा है, स्लो स्टेप है. रेट एक्सप्रेशन बोल रहा है इनमें से कौन सा होगा इसका. जरा आप देखो कंडीशन, अगर मल्टी स्टेप कंडीशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग स्लो स्टेप से निकालते हैं, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. जो हमारे पास स्लो स्टेप्स बनेगा ये स्लो स्टेप्स कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स. सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आप लिखेंगे k into concentration of reactant in slow steps. और स्लो स्टेप में concentration of reaction है O और into क्या O3, clear है. अब आपको देखना है इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम है. तो अगर आप यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इक्विलिब्रियम इक्वल टू आप लिखेंगे concentration of product upon reactant, मतलब concentration of O2 और into concentration of O अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O3, क्लियर है. अब यहां से कंडीशन आप क्या करो, यहां से O का वैल्यू निकाल लो. अगर आप O का वैल्यू निकालेंगे तो K इक्विलिब्रियम आर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 आर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे O2, बोलो क्लियर है. अब इसे O के वैल्यू को जो है वो 1 में पुट कर दो. अगर 1 में पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं R इक्वल टू K इनटू O के जगह में क्या लिखेंगे K इक्विलिब्रियम. O के जगह में आप लिखेंगे कंडीशन K इक्विलिब्रियम आर इनटू O3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे O2 और यहां बच जाएगा आपके पास कंडीशन क्या O3, बोलो क्लियर है. ये बचा O3. अब यहां k into k कांस्टेंट into कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट सॉरी इक्वल टू क्या अनदर कांस्टेंट k डैश और ये O3 O3 हो गया O3 का स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो -1 मतलब O2 के ऊपर -1. दिस इज द करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर गिवन इक्वेशन, बोलो क्लियर है. सो पावर O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. तो ये था आपके पास आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्वेश्चन पूछता है कमर्शियल लेवल पे, बोलो क्लियर है. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो.